सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका भाई अलवादी और आप देख रहे हैं अलवादी लोग। तो इस रात को तो काफी ज्यादा थके हुए थे, खाना पीना खा के बस सो गए थे। अभी उठे भाई साहब, ये देखो व्यू चेक करो भाई, कितना तगड़ा व्यू आ रहा है। बादल नीचे आ रखे हैं। हां भाई ऊपर ही तो है यार। अरे मतलब जान यार। सो गाइस अभी उठ के ब्रेकफास्ट तो कर लिया था, दूध बिस्किट और केले खा लिए थे। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलते भाई। सारी टॉफी खा ली है, शर्म आ रही है तेरे को। अरे बार जगह चल के देखो उस आश्रम में भाई, जो आग लग गया क्या करे वहाँ पे जाके। भाई जो तुम कल सीन बता रहे हो यार कि ऐसा ऐसा तुमने देखा भाई, अभी तक की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह थी वो। इतना अजीब चीज थी यार, उसका समझ नहीं आ रहा क्या था, कैसे चल रहा था उल्टा। भाई आज तक नहीं देखी थी यार ऐसी चीज। भाई ऐसी भी क्या चीज थी यार। कोई नहीं भाई, एक बार देखने चल पड़ते हैं, ऐसा भी क्या यार। इसको पहले बाबा ने मना कर रखा, नई चीजों से दिक्कत हो जाए। पंडित जी ने स्थापित की वजह से सब कुछ मना कर रखा है कि ऐसी जगह पे नहीं जाना। तुम बाबा वगैरह को ढूंढना तो उस जगह पे तो जाना पड़ेगा भाई। उस जगह पे नहीं जाएंगे यार, किसी और बाबा को देख लेते हैं। भाई ये बताया कि ब्लैक मैजिक में उनसे ऊपर सिद्धि किसी की भी नहीं है भाई यहाँ पे। फिर किसी और से पूछ लेते हैं यार कि एग्जैक्ट कहाँ मिलेंगे, पर उस जगह पे जाना सेफ नहीं है भाई। इतना अंकल घूमे था ना भाई, वो उसका आधा भी नहीं है यार, इतना बड़ा है वो कैसे ढूंढेंगे भाई। वहाँ पे सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग से भी चढ़ के देखा ना भाई, दूर दूर तक बस जंगल ही दिख रहा था। आसपास जो भी हमें खंडर वगैरह दिखे, जो भी जगह दिखी वहाँ पे तो चेक कर लिया था, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखा। पर भाई इतनी कुटिया थी और सारियों में चेक किया भाई, एक में भी नहीं मिला होगा। देखना कि कैसी जगह बनी हुई है वो पहाड़ों में। ऐसे ऐसे बेसमेंट तीन चार थे भाई वहाँ। कल जिन बाबा से बात नहीं करी थी वो कह रहे थे कि एक दो जगह और है जहाँ पे वो बाबा जाते हैं, एक बार वहाँ और देख ले। सो गाइस वो जगह तो ऐसी थी, कोई वहाँ पे तो दोबारा जाया जाए। अभी ये तो शिकर है, कल शाम को हम जल्दी निकल लेते वरना अंधेरा होने के बाद तो कोई वहाँ से निकल भी नहीं पाते। काम करते किसी दूसरे बाबा जी से पूछ ले। सो गाइस ये बाबा इतने पावरफुल थे, अगर ये मिल जाते ना तो किसी दूसरे पंडित या बाबा की जरूरत ही नहीं। एक दो बंदे हो रहे हैं यहाँ पे जानकार, एक बार उनसे और चल के पूछ ले। सो गाइस अभी तो सुबह के 8:30 बज चुके, अभी यहाँ से निकल। सो गाइस अभी होटल से तो चेकआउट कर लिया। सुबह सुबह 9:30 बजे ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। भाई ये देखो इस रास्ते पे बाबा आने स्टार्ट हो चुके। अभी भाई लग रहा है कि सही रास्ते पे जा रहे हैं। भाई उन्होंने कहा था कि रास्ते में ना एक झरना आएगा, उसके मतलब आसपास में ही है। सुबह साइड में तो नदी चल रही है, मेरे ख्याल से झरना ऊपर ही होगा। सो गाइस मेरे को तो ये लग रहा है ये रास्ते गाड़ी के है भी नहीं, हमने खाम खा चढ़ा दिया गाड़ी। भाई भाई कहीं वापिस भी ना यार, लोकेशन तो यही बताई थी यार। और अभी गाड़ी तो यहाँ पे पार्किंग में लगा दी थी, गाड़ी का आगे रास्ता नहीं है भाई, आगे पैदल ही चलना पड़ेगा। सो गाइस ये रास्ता बताया था, इसकी तो एंट्री बंद कर रखी यार। देख यार कितना घना जंगल है, अभी अंदर जाके देख के आते हैं। इसी रास्ते पे चल भाई, भाई जंगल है बिल्कुल, अंदर जाके देख के आना पड़े। सो गाइस अभी जंगल के बिल्कुल अंदर जा रहे हैं भाई साहब, ये देखो कितना घना है। सो गाइस अभी यहाँ पे अलग अलग रास्ते आ गए, एक सामने दिख रहा है एक यहाँ पे दिख रहा है, भाई समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाए। सो गाइस अभी काफी देर हो गई यहाँ पे घूमते हुए, भाई साहब इतने परेशान हो चुके, कोई रास्ता नहीं मिला भाई, इतने रास्ते दिख रहे हैं यहाँ पे, सब पे जाके देख लिया। भाई एक काम करते हैं यार, वापिस चलते हैं यार। क्या पता रास्ता मिले या ना, भाई कोई जंगली जानवर मिल गया दिक्कत हो जाएगी यार। ऊपर से मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश आ गई ना, यहाँ पे चला भी नहीं जाएगा यार। फिर जो एक दो जगह और बताई थी वहाँ पे चल के देखते हैं, वो तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। ये देख सामने गुफा सी बनी हुई है भाई, देख बीच में से नदी जा रही है, उस साइड जा थोड़ी पाएंगे। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी के पास तो पहुंच चुके भाई, अभी यहाँ से निकलते, यहाँ पे जाना तो वेस्ट हो गया भाई सारा। सो गाइस ये देखो कितना भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ भाई, पीछे 5 किलोमीटर से ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं भाई, कल लंबे ऐसे ही जाम में फंसे हुए। देखो ना भाई लाइन ही खत्म नहीं हो रही है, पीछे तो कहाँ तक जाम पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे 4 किलोमीटर आगे आए तब जाके यहाँ पे इतना खुला मिला, बिना कुछ खाए पिए घूम। अभी एक बार रिजॉर्ट ढूंढ लेते हैं, उसमें जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लेते। अभी रिजॉर्ट के पास तो पहुंच चुके। सो गाइस ये देखो ऐसा लग रहा भाई पूरी पहाड़ी के ऊपर से उतर के आए हैं, अभी अपने रिजॉर्ट के वहां तक पहुंच चुके, अभी सारा सामान निकाल लिया। सो गाइस अभी सारा सामान तो निकाल लिया था, अभी पार्किंग में गाड़ी लगा दी, अभी निकलते हैं। सो गाइस अभी रिजॉर्ट में तो आ चुके और भी अपना सामान वगैरह भी अंदर रख दिया, और भी ये देखो मौसम बारिश का हो रखा और भी थोड़ी थोड़ी बारिश तो आ चुकी। खाना पीना तो ले आए भाई, खाने में ये देखो भाई कितनी सारी चीजें ले आए। सो गाइस जस्ट अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, ये देखो भाई 1 घंटा दिखा रहा है यार, यहाँ पे पहाड़ों में नेट भी नहीं चलता। सो गाइस अभी वीडियो अपलोड करके आया था भाई साहब, 4 बज चुके शाम। सो गाइस अभी पूल में तो काफी ज्यादा भीड़ लगी, सामने एक्टिविटी जोन है, एक बार वहाँ पे जाके चेक करके आते। ये देखो भाई कैसे बैठा, जैसे इसे घर से निकाल दिया वो। सो गाइस ये लेजर जोन है, ओ भाई साहब पूरी पबजी वाली फील है यहाँ पे तो। भाई साहब इसकी तो गन भी तगड़ी है यार, ये तो पेंटबॉल के लिए रेडी तो हो चुके। तो गाइस ये देखो ये बॉल होती है बिल्कुल जो कंचा होती है ना वैसी है, इतनी तेज लगी, इतनी जान लगा ले हाथ से तो फूटेगी नहीं भाई। गाइस हमने टीम तो डिसाइड कर लिया भाई, मैं रोहित होंगे और भाई विनीत और मोहित हूं। सो गाइस अपनी AK-47 भी आ चुकी है। सिपाही मेरा हेलमेट और ग्लव्स लेके फील्ड में आ जाओ। अबे साले हेलमेट नहीं उतारा।
सो गाइस ये देखो यहाँ पे चार पांच बंकर बना रखे और भाई इनके पीछे छुप के यहाँ पे फायरिंग करनी पड़ेगी हमें भाई, रेड फ्लैग निकालना। सो गाइस अभी दोनों टीमें अपने अपने बंकर में तो जा चुकी है। सो गाइस अभी दोनों बंदे तो रेडी हो चुके हैं भाई कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो की टोकी रख रखी है मेरे साथ में। हेलो हेलो आवाज आ रही है भाई, दोनों बंकरों पे जा रहे हैं। हेलो हेलो रोहित, अरे कहाँ चला गया यार, कवर दे तो भाई। अभी गेम का खत्म हो चुका और भाई इतना ज्यादा मजा आ गया, पर भाई गर्मी में हालत इतनी खराब होगी। ये देख भाई हेडशॉट खा के बैठा है। सो गाइस अभी एक्टिविटी करके तो आ चुके हैं भाई, काफी ज्यादा मजा आ गया और भाई मैं और रोहित एक टीम में थे, हम दोनों जीत चुके हैं। सो गाइस अभी रिसॉर्ट साइड जा खा पी के फिर रेस्ट कर लेते हैं भाई, बार इस नदी में नहा लेते हैं। जा फिर कूद जा भाई, ये जमीन कम पड़ गई थी जो हवा में साइकिल चला रहे हैं। गाइस अब ये तीनों चैलेंज करेंगे कौन पानी के अंदर सबसे ज्यादा देर रहे। गाइस अभी काफी देर हो चुकी है, नहाते अभी यहाँ से निकल। गाइस अभी हम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद शाम को मिलते हैं। सो गाइस अभी सो गए तो उठ चुके हैं, अभी कुछ खाने पीने चलते। सो गाइस अभी रेस्ट करके तो आ चुके थे, अभी शाम का माहौल देखो भाई साहब यहाँ। सो गाइस अभी स्नैक्स वगैरह और चाय पी रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पूल में नहाएंगे। काफी देर हो चुकी है यहाँ पे बैठे, अभी भाई पूल में जा रहे हैं। प्लान कैंसिल क्यों भाई? भाई ठंडा पानी है भाई। सो गाइस अभी पूल में तो आ चुके हैं, अभी भाई एक कड़ा ले लिया मैंने और भी इस कड़े को फेंकेंगे और भी जो भी पहले ढूंढेगा ना वो विनर माना जाएगा। तो क्या कर रहे हैं आप, बाहर निकल, बाहर निकल यहाँ से। चलो भाई सेकंड ट्राई, जाओ जल्दी जाओ। खत्म। भाई ये क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है, मेरी भी धो दे ले। स्विमिंग पूल का धोबी घाट बना दिया इन्होंने। सो गाइस अभी खाना पीना भी आ चुका। सो गाइस अभी डिनर वगैरह तो कर लिया, अभी यहाँ से सारे बंदे जा चुके। ये देखो अभी पूरा रिसॉर्ट बिल्कुल खाली हो चुका है, रात के 1:30 बज चुके हैं, अभी जाके सो जाते हैं। ये लोग भी सो चुके हैं। सो गाइस अभी इस वीडियो के एंड कर, आपको कल सुबह मिलते हैं। यार इतने पसीने, यार एसी बंद हो रखा। मोहिते लाइट के क्या हो गया भाई? यार लाइट नहीं है भाई, पसीने आ रहे हैं। थोड़ी देर में आ जाएगी यार। यार चल रिवर साइड जाके बैठ जाएंगे भाई। विवेक भाई ये तो कोई भी नहीं उठ रहा यार। अरे लाइट नहीं यार, पसीने आ गए भाई यहाँ पे बहुत, बाहर रिवर साइड जाके बैठ रहा हूँ भाई। यार अभी बहुत लेट हो रखा है, रिवर साइड क्यों जा रहा है इस टाइम? यार आज देख पसीने कितने आ रखे भाई, यार गर्मी तो हो रही है बहुत देर से, आज बाहर चलते हैं यार। अंदर देखे कितने पसीने आ रखे थे भाई, गर्मी लग रही थी कितनी। यार बाहर फिर भी कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो लाइट आ रखे भाई, अंदर क्यों ना रखे हमारे रूम में? भाई जनरेटर वगैरह बंद होंगे भाई इनके, और वो दोनों देखना भाई कैसे सो रहे हैं यार गर्मी में। ताला लगा हुआ यार गेट, यार यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है यार। कूद के चलते हैं, जगह नहीं दिखी। तो गाइस गेट तो बंद था, यहाँ से कूदना पड़ेगा भाई ध्यान से यार। भाई ठंडी हवा चल रही है यार यहाँ तो, फिर एक काम करूँ उनके पास भी कॉल कर दे भाई, वो गर्मी में होंगे वहाँ। सो गाइस ये कितनी बढ़िया जगह है यार, यहाँ पे 24 आवर चैलेंज कर लेते यार। यार चैलेंज तो कर लेते पर हम कैंप भी नहीं लेके आए भाई, अगली बार ऐसी जगाएंगे ना तो अपना कैंप साथ में लेके चलेंगे। मेरा तो मन कर रहा है यहीं पे चादर ले आके और यहीं पे लेट जाते हैं थोड़ी देर। अरे यहाँ पे कितना सही मौसम हो रहा है यार, मन कर रहा नहा लेते हैं भाई यहाँ पे। यार नहा तो लेंगे पर यार भाव का पता नहीं चलता कब कितना तेज हो जाए, रिस्की हो जाता है। देर बाद ना चेक करने चलेंगे लाइट आई है या नहीं। थोड़ी देर में चल ही पड़ेंगे यार, कोई जंगली जानवर वगैरह आ गए तो यार दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई यहाँ पे कहते हैं ना पानी पीने आते जंगली जाते, तो वहाँ सामने जंगल है वहाँ से आते होंगे। वही तो भाई, भाई बहुत घना जंगल है यार ऊपर। यार वैसे एक काम करते हैं, लकड़ियाँ वगैरह ढूंढ लेते और यहीं पे आग जला लेते, अभी लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। और भाई फिर यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि वैसे भी अंदर बहुत गर्मी हो रही है, इसके बिना सोया भी नहीं जाएगा यार। ये लाइट ले वरना यार आगे कुछ भी नहीं दिख रहा यार, आगे मत जा भाई, आगे लाइट नहीं है यार एक भी, यार कुछ भी नहीं दिख रहा आगे। यार फिर लकड़ियां तो नहीं मिली आप? यार एक काम करते हैं भाई, इस पुल पे से उस साइड चल पड़ते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे यार लकड़ी। यार सामने जंगल है भाई, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा यार, रिस्की हो जाएगा यार उस साइड जाना। जानवर वगैरह आ गए ना
नीचे तो दिक्कत हो जाएगी यार। वैसे कुछ भी कहो, पूरा एडवेंचर हो रहा है, ऐसे घूमने मजा आ रहा है भाई बिल्कुल। उन दोनों को देख भाई कैसे रूम में पड़े हुए हैं गर्मी। यार आगे जंगल भी है भाई, ध्यान से यार इनसे भी काम चल जाएगा। देखिए लकड़ी वगैरह सब कुछ है इसमें। सही कह रहा भाई, ये जल जाएंगे यार लकड़ी, और देख लेता हूँ। ओए भाई जल्दी भाग यहाँ से। क्या हुआ भाई? अरे जो कह रहे थे ना उल्टी खोपड़ी वाला भूत, वही दिखा भाई सेम। यार वहाँ पे देख एक बार उस पत्थर के पीछे। अरे ऐसा क्या देख लिया भाई तूने? ओए ये क्या सीन है भाई पत्थर? यार ये तो उल्टी गर्दन वाला यार है भाई, भाग यहाँ से। ये क्या सीन है यार? भाई कुछ नहीं दिख रहा यार आपको? यार गायब हो गया भाई, जल्दी निकल। यार ये वही चीज तो नहीं थी भाई जिसकी वो बात कर रहे पीछे तुम? नहीं आ रही भाई वो, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वही चीज हो यार ये। यार पर वो यहाँ पे कैसे आ सकती यार? कह नहीं रहे थे क्यों? ओए क्या हुआ तावीज कहाँ भाई? यार ये तावीज कहाँ गिर गया भाई? वो कभी यहीं पर कहीं गिर गया? यार ये तावीज तो ढूंढना पड़ेगा यार, कहाँ गया भाई? मेरे ख्याल से तो यार पहन के नहीं आया था। यार पहन के आया था भाई, मेरे को याद है यार। कभी सोते टाइम बैठ के वहाँ पे गिर गया हो कहीं पे? यार ये तो ढूंढना पड़ेगा यार, वापिस चले गया भाई, वापस नहीं जा सकते मुझे लगता है। तो पहन के नहीं, अंदर ही देख लेते एक बार। यार ये तावीज घूम गया ना भाई, दिक्कत हो जाएगी यार। ताबीज ढूंढते यार, ये ताबीज घूम गया ना भाई यार, दिक्कत हो जाएगी। उनको बताएं ना बताएं? नहीं भाई उनको नहीं बताएंगे यार, नहीं तो गुस्सा करेंगे कि तुम यार। वो कहेंगे कि यहाँ पे क्या करने गए थे तुम रात को। और भाई ये ताबीज और घूम गया यार ऊपर से। यार इनको कुछ मत बताइए। हो भाई दोनों तो सो रहे यार। यार वो ताबीज ढूंढ भाई जल्दी, कहाँ गया यार? यार वहीं पे तो लेटा हुआ था यार। मत बैड बैड किन यार, भाई साहब ये क्या यार यहाँ पे?